नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त गेमर स्काई और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे वॉक थ्रू में जिसका नाम है पोकेमॉन फायर एश वर्जन। पिछली बार हम लोग यहां SSN में आ चुके थे और आज हम यहीं से हमारी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक हमने ये रूम कर लिया था, मगर एक बार मैं कन्फर्मेशन के लिए सॉरी यप ये रूम कर ली थी मैंने। कोई घुसते ही चैलेंज नहीं कर रहा, अच्छी बात है। अगर चैलेंज आ ही गया पोकेबॉल लेने से पहले, बटरफ्री लगता है मैं हील करना भूल गया हूँ। पिकाचू भी फेंटेड है मतलब? नहीं, पिकाचू फेंटेड नहीं है। ठीक है, मुझे लगा पिकाचू भी फेंटेड है, उसको लास्ट रखा है मैंने। मालूम नहीं क्यों, मे बी इन सबको XP देने की मेरी कोशिश होगी बाकी लोग को। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ है कि मुझे एक वीक रिकॉर्डिंग करने का टाइम ही नहीं मिला, पूरा एक वीक। मैं एक्चुअली भूल गया हूँ मैं कहाँ तक आया था। TM44 रेस्ट मिला मुझे यहाँ पर। एक और बैटल, एक ही पोकेमॉन शेल्डर हम जाएंगे बल्बसॉर के साथ जो कि स्लीप है, फास्ट स्लीप, आइसिकल स्पीयर। ठीक है, अच्छी बात है कि फेंट हो गया वो। ट्वेंटी वन लेवल का भी शेल्डर भी है अभी। 22 पिकाचू भी ओके, मेरे ख्याल से इनफ है। पहले मैं जाके भी हील करके आता हूँ, अदरवाइज मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकती है। आई थिंक सेकेंड रूम था ना, यप। थैंक यू, इसी के साथ मेरे पोकेमॉन भी हील हो गए। वापस हम भागेंगे नेक्स्ट फ्लोर पर और मेरे ख्याल से हमने ये कंप्लीट कर लिया क्या? नहीं, सो रहा है ये तो। आइए, वो आदमी रहेगा जिसके साथ ऐश ट्रेड करता है ना पोकेमॉन। ओके, दिस इज द कैप्टन्स रूम। ओके, नीचे नहीं जा सकते हम लोग। What do you say? Let's have a friendly battle, okay? Squirtle, हम जाएंगे बबल बीम के साथ, हाइपर फैंग। स्पीड फेल, नहीं हाँ बच, अरे मुझे लगा बच गया। अरे एक HP के साथ बटरफ्री साई बीम, नाइस। हाइपर फैंग मिस हुआ था उसका। आई होप बटरफ्री तुम सर्वाइव करोगे एटलीस्ट एक हाइपर फैंग तो। थैंक यू, तगड़ा XP मिलेगा। ओके, आई एम लुकिंग फॉर अ बटरफ्री, वांट टू ट्रेड इट फॉर माय रेटिकेट? नो, यू डोंट वांट टू ट्रेड, पिटी। यस पिटी, रेटिकेट मैं क्यों दूं तुम्हें, वो मेरा रेटिकेट है। मालूम है ट्रेड करने जाऊंगा तो ऑफकोर्स ऐश की जर्नी फॉलो होगी, मगर क्या भरोसा वापस मिलेगा कि नहीं ये किसको मालूम है, किसी को भी नहीं। ओह, एक हाइपर पोशन हिडन आइटम। अब यहाँ पर डेफिनेटली सब वाटर टाइप ट्रेनर ही होंगे, तो जरा स्विच करने का समय आ चुका है पिकाचू के साथ। पहला बैटल, टेंटाकूल, हम जाएंगे इलेक्ट्रो बॉल के साथ डायरेक्टली, बच गया रे। स्पीड फेल, पैरालाइज कर दिया हमने भी उसको। स्टारियो, थंडरबोल्ट। ओके, स्टारियो भी गया, अच्छा XP मिल रहा है यहाँ पर पिकाचू को भी।
प्रोटेक्ट, घटिया अटैक जिससे मैं सख्त नफरत करता हूँ, प्रोटेक्ट डिटेक्ट। ओके, कोई आइटम तो नहीं है इसके कंपार्टमेंट में, ये तो सेम डायलॉग मार रहा है, हाउ मे आई सर्व यू। बैटल कर लेते हैं ना सबसे, ओ लो स्वीप पैरालाइज कर दिया मैंने भी उसको, 23 डबल टीम। क्या है तुम्हारे पास निकालने लायक? कुछ नहीं है, डबल टीम नहीं चाहिए मुझे। ओके आइटम आइटम कुछ नहीं है, अरे चीटिंग है ये। एक और बैटल, टेंटाकूल, इजी। एक और इजी बैटल यहां पर पिका चुके लिए। ओह यस, फाइनल रूम तक आ चुके हैं। फाइनल रूम दिखाई क्यों नहीं दे रही मुझे, मगर कुछ तो गड़बड़ है मतलब फाइनल रूम में। हम पहले जाके फिर हील करके आएंगे बैटल के बाद, थंडरबोल्ट के साथ ही जाएंगे। हॉर्सी इस बार हम स्विच करेंगे, बल्बसॉर ट्राई करो तुम अपना लक। हाँ तुम ट्राई करोगे रेजर लीफ, ओके दैट्स ग्रेट बल्बसॉर। और इसके साथ हॉर्सी फिर से गया, मेडल तो कर लिया हम लोग ने। एक बार जाके हील करके आता हूँ फिर मैं वो लास्ट रूम में घुसूंगा, मुझे कुछ तो डाउट आ रहा है उसके ऊपर, क्योंकि ओरिजिनल SSN में टीम रॉकेट आती है, मुझे अब तक आई नहीं है वो। ठीक है तो मे बी लास्ट रूम में वही होगी। हाँ सो यू फिगर आउट दिस होल क्रूज इज टीम रॉकेट्स प्लान टू स्टील ऑल द पोकेमॉन। जेम्स शट अप, व्हाटएवर जस्ट स्टॉप हिम। ओके टीम रॉकेट्स जेसी एंड जेम्स तीन पोकेमॉन यूज करके, पहला एकंस, हम जाएंगे थंडरबोल्ट के साथ, बाइट नो प्रॉब्लम। एक और थंडरबोल्ट जिसमें वो गया, एक्सपीशियर का मिलता है आपको कुछ आइडिया है जरा बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सपीशियर का कुछ। ट्वेंटी फोर पिकाचू, मैजिकार्प डेफिनेटली स्विच, जब बल्बसॉर अपना लक आजमाओ मैजिकार्प के अगेंस्ट, और उसने स्प्लैश या टैकल यूज किया तो तुम स्लो हो बल्बसॉर। हालांकि तुमने उसको एक ही रिजर्व लीफ में हरा दिया है मगर फिर भी तुम स्लो हो। टीम रॉकेट इज ब्लास्टिंग ऑफ अगेन। ओके अरे ग्रंट्स का हमला, थंडरबोल्ट, एक और थंडरबोल्ट, अच्छा तीन ही करंट्स है, ज्यादा करंट्स नहीं है। मतलब जो सर्फ सर्फ बोल रहे थे वो सब ग्रंट्स हो गए क्या अभी? वैसे तो बहुत है ना दो, सेंचुरी हम स्विच करेंगे, स्कोर्टल जाओ और तुम यूज करोगे बबल बीम, इजी क्रिटिकल हिट। 21 ये वाला तो होने दूंगा नहीं मैं तुम्हें,
हेडबट इस बार गया। हाँ सारे के सारे ग्रंट्स हो गए अभी वो। तो मे भी कैप्टन की लाइफ डेंजर में हो सकती है क्योंकि वहां के सामने भी एक सेलर था। लेट्स सी। हील करने तो बार बार आना ही पड़ेगा मुझे। क्रिटिकल हिट, वाओ नाइस। स्विच ठीक है, तुम ही रहो। स्विच करके किसको? मैं सिर्फ बटरफ्ली को भेज सकता हूँ स्विच करके। हमें किसी के पास भी एडवांटेज वाला मूव नहीं है। हाँ मैचअप के लिए मैं स्विच कर सकता हूँ। जाओ पीछे हटो। स्पीड भी मैं साला मेरे कम कर रहा है वो। कराटे चॉप, नाइस। 21 पीजी ओडो। यस यू लॉस्ट टू मी। हील तुरंत कर लेते, कब जरूरत पड़ेगी किसी की कुछ आइडिया नहीं है। डॉ डबल बैटल मे बी, नहीं ग्रंट्स है मतलब ये गेम में भी। लगे ऐश की जगह तो ग्रंट्स इतने नहीं होंगे। एक्चुअल एनिमे में तो एक ही एपिसोड में सबको हरा दिया था ऐश ने। फ्लेम थ्रोवर, वाटर गन, लेजर लीफ और थंडर बोल्ट, ऐसे कॉम्बो के साथ। अगर आपने एपिसोड देखा होगा वो पहले सीजन का, तो नेक्स्ट फ्लोर बाकी है वो जहाँ पर ये लोग हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुकर्स, कुकिंग वाले हैं, उनको भी देखना है। मैग्नीट्यूड 7। ओके सुपर इफेक्टिव। ओके स्विच तोड़ो क्योंकि पिकाचू के पास डबल किक है, काम में आएगी वो। इजी। नहीं गलत, जरूरत नहीं है। मैं गया जुबैट भी। अरे रे शुरंस गया। कॉफिंग जुबैट, नहीं यहाँ पर तो सारे शेफ ही है। मुझे तो लगा था यहाँ पर भी ग्रंट्स ही होंगे, मगर नहीं, यहाँ पर शेफ्स ही है। मतलब रूम में कुछ गड़बड़ नहीं है, रूम के बाहर ही गड़बड़ है। चलो फिर नेक्स्ट फ्लोर पर। आज तो हो जाएगा ये टीम रॉकेट का इन्वेजन SSN पर। इजी 26 स्पार्क सीखना चाहता है, डेफिनेटली सिखाऊंगा मैं। इलेक्ट्रो बॉल ही निकाल देता हूँ मैं। ऊपर जाके भी एक बार देख कर आता हूँ मैं। स्लो है देखो अभी एचपी उसकी, जैसे जैसे उसकी लेवल बढ़ रही है।
क्रिटिकल हिट, एक और जो बैट मे बी 22 पर होगा, 23, ये अच्छा चैलेंज दे रहा है करंट। फिर भी पिकाचू से सामना करना मुश्किल नहीं नामुमकिन। यस यहाँ पर भी हेज, अरे रे पॉइजन गैस, ट्राउजी गया, एक थंडरबोल्ट और जाएगा पिकाचू में भी। सर्वाइव द पॉइजनिंग, और सबसे पहले जाके अभी हील करके आना पड़ेगा मुझे। पोशन क्यों वेस्ट करो अगर हीलिंग का सोल्यूशन है यहाँ पर तो। ओके ओके, सी सी के फिर भी बैटल करने वाला है ये, ठीक है। स्पार्क स्विच कर देता हूँ मैं, बल्बसौर को एक मौका फिर से। क्या तुम स्प्लैश से ज़्यादा तेज हो? यह तेज़ी है वो, मैं गलती से टेक डाउन भी उसके ऊपर से, ठीक है कोई गलत नहीं। एटलीस्ट यहाँ पर तो सबसे बैटल हो गई है। सॉनिक बूम, कॉफी, ओके कॉफिंग भी गया। 27 पिकाचू यहाँ पर कोई नहीं है, डेफिनेटली वो ट्री वो आने वाले होंगे जैसे जिम्स में आउट। एक बार फिर से मैं जाके हील कर लेता हूँ और फिर उनसे निपटूंगा। तो वैसे देखा जाएगा वो एपिसोड आना चाहिए अभी, आइलैंड ऑफ जायंट पोकेमोन। ओके यहाँ पर भी ग्रंट्स ही है, अभी वो आएंगे तीनों। इजी माचॉप, गस्ट अटैक ऑफ कोर्स, फोकस एनर्जी, थैंक यू तुमने अटैक नहीं किया, तो मैं एक ही अटैक में हरा पाऊंगा। एक थोड़ा गोल देना होगा, nobody leaves, okay? We are just having a nice chat about where the ship should go to store all the Pokemon. Do you have a problem with that? Okay. Admin, okay. Poison gas. गया यहाँ पर ट्राउजी, एटलीस्ट गोल बैट, इजी गोल बैट भी गया। द
द शिप इज सिंकिंग, आई एम गेटिंग आउट ऑफ हियर. गुड जॉब स्टॉपिंग देम, क्विक लेट्स हरी अप एंड गेट ऑफ दिस शिप. ओके थैंक यू बिकॉज यू सर्वाइव्ड द पॉइजनिंग. तो इसका मतलब SSN गई अंडर रिपेयर. ओके ऐसे बाहर आता तभी कोई फंसता है रे गेम, आपके साथ भी ऐसे होता है बाहर बाहर आते हैं तभी ऐसा फंसता है. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे. थैंक यू SSN कंप्लीट कर लिया आज ही हम लोगों ने. थोड़ा आगे बढ़ते हैं जर्नी में, फिर एक मिनट है हमारे पास. जरा कुछ सेल करने लायक कुछ होगा तो सेल कर देते. मैं ये कुछ नहीं सेल करने, बस ये बिग रूट क्या है ये मैं सेल कर सकता हूँ, बाकी रहने देते हैं. नहीं बेरीज भी रहने देते, ठीक है बाय करने के लिए. सुपर पोशन 4 दे दीजिए आप, पोशन 2 ठीक है, रिवाइव दे दीजिए 2, हाइपर पोशन दे दीजिए 4, एंटीडोट 4 है स्किप ठीक है, 2-2 है सब कुछ. तो फिलहाल तो कोई परचेस करने की ज़रूरत नहीं है मुझे. सुपर पल्स यस, मैं तो मेन सुपर रिपल्स ही चाहिए था. यहाँ से वो आदमी जा चुका है क्या, वो जो रोकता है हम लोग को आगे बढ़ने से. यप रूट 11. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए. अगली बार हम यही से कंटिन्यू करेंगे और हमारे जर्नी में आगे बढ़ेंगे. अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर देना. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना. अगर मेरे चैनल पर आप नए हो और अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा.